एटॉमिक या मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। एटॉमिक या मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म में ये बताया गया है कि अगर आप कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस लें, मैग्नेटिक सब्सटेंस जो बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है, जैसे कि लोहा, फेरो आयरन, सॉफ्ट आयरन, ये बहुत जल्दी मैग्नेटाइज होते हैं। तो पहला पॉइंट इसकी थ्योरी का ये बोलता है, एवरी मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस वेदर मैग्नेटाइज और नॉट इज कंप्लीट मैग्नेट इन इटसेल्फ। मतलब कि अगर आप लाखों करोड़ों एटम्स लें इन आयरन के, तो लाखों करोड़ों एटम्स, हर एटम एक बहुत स्ट्रांग मैग्नेट है उसमें, पर फिर भी लोहा लोहा है, फिर भी अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाता, फिर वो मैग्नेट क्यों नहीं है। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो मैग्नेटिज्म जनरेट करते हैं, और उनका डायपोल मोमेंट भी होता है, जिसको डराइव किया था EVr/2। लास्ट टाइम इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, याद करो, EVr/2 कैपिटल एम जनरेट किया था। जिन एटम का कैपिटल एम होता है, इसका मतलब वो मैग्नेटिक है। अब कैपिटल एम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हर एटम का कैपिटल एम इस तरीके से ओरिएंटेशन होती है किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस में कि एक एटम का कैपिटल एम और दूसरे एटम का कैपिटल एम आपस में कैंसिल कर जाता है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, और नेट रिजल्टेंट कैपिटल एम डायपोल मोमेंट क्या आता है, जीरो। तो इसलिए पूरा लोहा, पूरा मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेट नहीं काम करता, लेकिन अंदर लाखों करोड़ों मैग्नेट है उसके बावजूद भी काम नहीं करता, क्योंकि सारे कैपिटल एम आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट यही है कि वेदर मैग्नेटाइज है या नहीं है, मैग्नेट तो लाखों करोड़ों एटम है ही है। दूसरा पॉइंट है, अगर वो मैग्नीफाइड नहीं, मैग्नेटाइज, अगर वो अनमैग्नेटाइज हैं तो उनके जो मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स हैं वो रेंडमली ओरिएंटेड हैं, सच दैट वो आपस में चेन्स बनाते हैं। कैपिटल एम, ये सब एरो का मतलब है, कैपिटल एम कैपिटल एम कैपिटल एम, ये चेन बनाता है, और इस चेन का नेट रिजल्टेंट जब निकलेगा कैपिटल एम का, वो जीरो निकलेगा, और जीरो निकलने का मतलब है कि नेट रिजल्टेंट जीरो का मतलब दे विल नॉट एक्ट लाइक अ मैग्नेट जब अनमैग्नेटाइज हैं। और अगर आप इन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें, बाहर से मैग्नेट्स लगा दें, तो ये अंदर के मैग्नेट ओरिएंटेशन चेंज कर लेंगे, चेंज ब्रेक कर देंगे, और सारे एटम एक तरफ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक तरफ अलाइन हो जाएंगे, और ये सब्सटेंस विल एक्ट लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, एकदम मैग्नेट बन जाता है। आप थोड़ी देर के बाद इनको छोड़ दें, बहुत टाइम के बाद ये वापस नेचुरली ऐसा रहना पसंद करते हैं। ये तो जबरदस्ती तुमने किया हुआ है, ऐसे बाहर फील्ड लगा के किया हुआ है, पर रहना ही ऐसा ही चाहते हैं। इसीलिए बोला जाता है, जब आप इन्हें हीट करते हैं, मैग्नेट को हीट करते हैं, तो ये एटम्स एनर्जी लेते हैं और वापस से ओरिजिनल चेन बना लेते हैं, और फिर से कैपिटल एम को कैंसिल करते हैं, और तभी बोलते हैं कि हीट करने से सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम हो जाती है। तो यही पॉइंट है, ऑन मैग्नेटाइजिंग अ सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स आर रीअलाइंड सो दैट नॉर्थ पोल ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर मैग्नेट पॉइंट ऑन वन डायरेक्शन, सारे नॉर्थ एक तरफ, सारे साउथ एक तरफ, हम बोलते हैं सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो गया। और लास्ट पॉइंट है, ऑन हीटिंग मैग्नेटिक सब्सटेंस द मॉलिक्यूल एक्वायर सम काइनेटिक एनर्जी, और ये वापस क्लोज चेन में चले जाते हैं और अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं। ये है थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, मॉलिक्यूल्स और एटम के अंदर कैसे काम करती है।